जी आपने मेरा ट्विटर देखा होगा, तो मेरे पास अब कुछ बोलने के लिए नहीं है. आई जस्ट से डाई, आई हैव सीन द जी कॉन्स्टिट्यूशन. तो छोड़िए, मुझे ये चीज़, आई हैव नेवर बीन एबल टू रैप दिस अराउंड माई हेड सेइंग. जब आप एक यू नो दे ऑल मस्ट बी लिटिल चिल्ड्रन एट सम पॉइंट, दे हैव ग्रोन अप, एंड उन बच्चों को, उन इन्फेंट्स को देख के या उन टीनेजर्स को देख के ये सोचा नहीं होगा किसी ने कि वो बड़े होने के बाद ऐसा कुछ कर सकते. तो मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसी हैवानियत किसी किसी के. अब इफ़ यू आस्क मी यू शुड हैंग दैम, बट आई इट्स नॉट देयर इन आर लॉ और आर कॉन्स्टिट्यूशन. सो नाउ आई होप दे गेट देयर ड्यू. मेरा रिएक्शन ऐसे किसी भी घटना का के लिए एक ही होता है, वो होता है बहुत बहुत लाचारी महसूस करती हूँ मैं, और अंदर से बहुत खौफ महसूस होता है और बहुत दर्द महसूस होता है. और उम्मीद यही होती है कि जो जस्टिस सिस्टम है वो क्रिमिनल्स को तुरंत जल्दी से जल्दी दे ब्रिंग देम टू बुक, और जो जिनके साथ ये घटना घटी हो उनके लिए जस्टिस प्राप्त हो जल्दी से जल्दी. थैंक यू. आई थिंक हार्शेस्ट पनिशमेंट पॉसिबल जो भी है हमारे लॉ में, सिर्फ वो ही वो लोग डिजर्व करते हैं, उसके नीचे कुछ भी नहीं. आई थिंक डेथ पेनल्टी इज द ओनली पेनल्टी आई, बिकॉज वी फील वेरी एंग्री अबाउट इट, एंड आई हैव शेयर्ड माई फीलिंग्स ऑन माई सोशल मीडिया हैंडल. आई थिंक इट्स डेविस्टेटिंग व्हाट हैपेंड विद प्रियंका रेड्डी एंड सो मेनी गर्ल्स लाइक हर. आई थिंक इट्स हाई टाइम हमको कुछ करना चाहिए, एक बड़ा एक्शन लेना चाहिए जिससे लोगों के दिलों में डर पैदा हो ऐसी किसी भी थॉट के आने से पहले भी. मुझे ऐसा लगता है इसके लिए कोई लॉ नहीं होना चाहिए. जिन्होंने जो किया है इनको पूरी तरीके से पब्लिक में छोड़ दिया जाए, फिर अपने आप उसका डिसीजन होना चाहिए. और मुझे ऐसा लगता है कि अब ज़्यादा देरी नहीं करनी चाहिए. बहुत लड़कियों के साथ बहुत गलत हुआ और हम सब एक होकर इस चीज़ पर फैसला लें और इन्हें सज़ा दें, क्योंकि आगे ये ना हो. और हमारी सबकी कहीं ना कहीं हमारी बेटी होगी, शायद मेरी बेटी होगी फ्यूचर में. मैं खुद एक लड़की हूँ और मैं चाहती हूँ कि इंसाफ मिलना चाहिए हर किसी को, और ये चीज़ें बंद होनी चाहिए. इसके लिए हमें एक बहुत सख्त कदम उठाना चाहिए. दैट्स इट. You know, it's really sad ki it every time an incident like this happens we talk for about a few days, a few weeks, there's a lot of rage, there's a lot of anger in the country, and then after a few weeks we forget it all and until it happens again. So I think there needs to be a very strong law, there needs to be punishment. Hamare laws to hain, but there needs to be stricter punishment, and I honestly feel one severe lesson will create fear in the minds of other people who will not even think of doing something like this. I think that's what we need to do. Bahut hi dukh ki baat hai that our country has come to such a level where ladkiyon ko bahar jana has become a debate, kya kapde pehen rahe has become a debate, and why is it that we cannot talk about why men cannot see them respectfully. So I think ek tarike se humko पब्लिक पनिशमेंट या एक स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देना पड़ेगा, एक एग्जांपल सेट करना पड़ेगा जिसके बाद किसी का दिल भी ना करे ऐसा सोचने का भी. गुस्सा आता है. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू.